बचपन में डांस का इतना शौक था कि वो एक ट्रेन डांसर बन गया और एक रियलिटी शो में वो सिलेक्ट भी हो गया, लेकिन फाइनल्स में उसकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उसे निकाल दिया गया। क्योंकि किस्मत तो कुछ और ही चाहती थी, डांस में इतनी बुरी तरह फेल होने के बाद उसने रैपिंग स्टार्ट की। रैपिंग के लिए उसने एक ग्रुप को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे वहां से भी निकाल दिया गया। उसके बाद उसने दूसरा ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन वहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। और फिर उसने अपने खुद के दम पर सब स्टार्ट किया और 8 साल की मेहनत के बाद आज वो हिंदुस्तान का फास्टेस्ट रैपर है। जी हां गाइस, हम बात कर रहे हैं रफ्तार की। रफ्तार ने ये बता दिया कि अगर आप जो करना चाहते हो और पूरी कोशिश करने के बाद आप वो नहीं बन पाए तो कुछ और ट्राई करो, शायद कुछ कमाल हो जाए। और कल मैं रफ्तार भाई पर लॉन्ग वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जरूर देखना। जिंदगी में फिर से स्टार्ट कैसे करते हैं ये आप उस वीडियो से जान जाओगे, तो जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। It's your boy, Raftar!